अस्सलाम वालेकुम फॉलोअर्स, मैं आपका दोस्त नबील आज आपके साथ नई वीडियो के साथ आया और आज हम बात करेंगे फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के बारे में। इसमें दो मूवीज़ होंगी, एक गॉडज़िला द किंग ऑफ मॉन्स्टर और दूसरी जॉन विक चैप्टर 3 पैराबेलियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि छोटी छोटी मूवीज़ की डिटेल मैं वहीं पर डालता हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं जॉन विक चैप्टर 3 के बारे में। तो आपको पता है जॉन विक के जो पिछले पार्ट थे उन्होंने बॉक्स ऑफिस में क्या धमाल मचाया और ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ रही है। और वाकई मुझे भी ये सीरीज़ काफ़ी पसंद थी। एक तो यहाँ पे एक्टर यूनिक लिए गए हैं और जहाँ एक्शन दिखाया जाता है वो भी काफ़ी अच्छा है, साथ साथ स्टोरी में भी काफ़ी फोकस करना चाहिए क्योंकि एक अच्छी मूवी निकल के सामने है जो फैंस को भी पसंद आए। तो अब जॉन विक चैप्टर 3 के बारे में जो फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू निकल के आए हैं वो अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं। काफ़ी सारे क्रिटिक्स ने इस मूवी को अच्छे कहा है और एक लाइन जो हर एक क्रिटिक्स के मुंह में थी वो ये थी कि इसका एक्शन एक यूनिक है, काफ़ी यूनिक एक्शन यूज़ किया गया और स्टोरी में भी काफ़ी फोकस किया गया है। और हमारे सामने एक ब्रांड न्यू जॉन विक की सीरीज़ का सीक्वल पेश किया गया है जो कि बहुत अच्छी बात है। पर सुनने में ये आ रहा है कि ये थिएटर्स में हिंदी में नहीं लगी, ये इंडियंस फ़ैन के लिए हैं। तो ये मेरे ख्याल से जब होम रिलीज़ होगी तभी हिंदी में लगेगी, तो एक बैड न्यूज़ हिंदी फैंस के लिए जो मूवियाँ हिंदी में देखना ही पसंद करते हैं। इसकी रेटिंग मैंने इंस्टाग्राम में डाली थी कि 98% इसे रेटिंग मिली है, शायद ये अप एंड डाउन हो या मूवी रिलीज़ हो। अगली बात कर लेते हैं गॉडज़िला द किंग ऑफ मॉन्स्टर के बारे में। तो ये मूवी भी क्रिटिक्स को दिखाई गई थी और सबके मुँह में एक ही सवाल था, मास्टरपीस। सब ने यही कहा कि मॉन्स्टर वर्स में या मॉन्स्टर की जितनी भी आज तक हमने मूवियाँ देखी हैं ये उनका मास्टरपीस है, आपको बड़ी स्क्रीन में ही इसे देखना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा कि इसे आप आईमैक्स में ही देखें, वो भी आईमैक्स 3D में। इंडिया में तो ये हिंदी में रिलीज़ होगी, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हफ्ते दो हफ्ते बाद ये हिंदी में लग जाएगी पर 2D में। पर क्योंकि इस तरह इतने बड़े मॉन्स्टर आप 2D में देख के वो मज़ा नहीं उठा सकते जो आईमैक्स 3D में देख के उठा सकते, मैं आपको यही कहूँगा कि आप आईमैक्स में ही देखें तो अच्छा होगा। अगर इसकी रेटिंग की बात की जाए तो इसकी अभी भी कोई रेटिंग नहीं आई, ना IMDB की ना रोटन टमाटो की। तो जैसे ही आ जाएगी मैं पोस्ट कर दूंगा इंस्टा पे, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो पहला ट्रेलर क्या टीज़र देख के हमें समझ आ गया था कि ये एक मास्टरपीस मूवी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।